निष्कलंक भगवान के रथ एवं शोभा यात्रा का जोगीवाड़ा गांव के जोगेश्वर महादेव मंदिर में हुआ भव्य स्वागत। सावला राजस्थान डूंगरपुर जिले के सावला उपखंड के अंतर्गत बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज का जोगेश्वर महादेव मंदिर जोगीवाड़ा के प्रांगण में समस्त ग्रामीण वासियों की ओर से पुष्पमाला पहनाकर श्रीफल भेंटकर साथ ही साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अच्युतानंद महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया, साथ ही लोगों ने दर्शन लाभ लिया। बेणेश्वर के पीठाधीश्वर महंत जोगीवाड़ा गांव पहुंचे, सर्वप्रथम शिव मंदिर में दर्शन किए तो वहीं शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पूरा गांव महंत अच्युतानंद महाराज के दर्शन पाकर गांव धर्मनगरी में तब्दील हो गया। इस अवसर पर ग्रामीणों की उपस्थिति की बात करें तो राठौड़ परिवार की तरफ से दर्जन सिंह, रघुनाथ सिंह, कुमान सिंह, पर्वत सिंह, शिव सिंह, सिसोदिया परिवार से नाहर सिंह, गमीर सिंह, हमीर सिंह एवं चौहान परिवार से ईश्वर सिंह, कल्याण सिंह, हिम्मत सिंह, नाहर सिंह, दिलीप सिंह, नेपाल सिंह, सुथार, सुरेश, धनपाल, वैष्णव, करणदास, गोवर्धन एवं जैन में ईश्वर लाल सहित कई गणमान्य नागरिक एवं बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें उपस्थित रही। निष्कलंक भगवान के दर्शन का लाभ गर्मजोशी के साथ लोगों ने लिया। इस अवसर पर शोभा यात्रा का रथ पूरे गांव में भ्रमण किया। निष्कलंक भगवान की आरती कर भक्तों ने महाप्रसादी का लाभ उठाया। महाप्रसादी का लाभ केसर कुंवर स्वर्गीय रूप सिंह परिवार की तरफ से लिया गया। यह निष्कलंक भगवान की शोभा यात्रा का रथ राजस्थान के जयपुर से प्रारंभ हुआ था एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों से होता हुआ उदयपुर संभाग में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, त्रिपुरा सुंदरी होते हुए बेणेश्वर पहुंचा। इस रथ के साथ की बात करें तो अरुण भाई भट्ट, तालोरा, महिपाल सिंह, वाड़ा कुंडी, प्रताप सिंह, जोगीवाड़ा एवं कई माव भक्त भी मौजूद रहे। आपके अपने क्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे News24 पब्लिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर करें।